सोचकर बहुत डर लग रहा है यार। अभी वो शेखर कहां पर होगा? हेलो, हाँ मैं स्पॉट पर हूँ। हाँ बात करता हूँ। अरे संभल कर, चलो चलो जोर लगाओ। अरे टेढ़ा मत कर, गिर जाऊंगा मैं। सर आप गाड़ी में इंतजार कीजिए, मैं आपको बुला लूंगा। देखकर काम करना। ठीक है सर। भैया मेरी बेटी को क्या हो गया? मेरी बच्ची, छोड़ दो मुझे। अरे मेरी बच्ची देखने दे दो। अरे मेरी बच्ची, भैया मेरी बच्ची को देखने दे दो मुझे। अरे छोड़ दीजिए मुझे, जाओ ने मेरी बच्ची। कितना भारी यार। अरे संभल कर, इधर से चलते रहो। ये लो पकड़ो, बस आ गए। थोड़ा और सुर लगा। आओ आओ, रुको मत, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी करो। आराम से आराम से आराम से, देखना संभाल के। रो मत, मैं कहता हूँ आगे मत जाओ, मेरी बात सुनो, पीछे आओ। चलो सर, जल्द ही पता चल जाएगा। सुनो, कोई निशान है क्या? देख रहे हैं सर, अच्छे से देखना। जी सर। मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, पीछे आओ। भगवान, क्या हो गया? ये लाश कितने दिन पुरानी है? 2-3 दिन पुरानी है सर। कोई घाव का निशान? नहीं, कोई घाव का निशान तो नहीं है। कोई कांटे का निशान दिख रहा है? नहीं सर, कोई भी नहीं। नहीं कुछ अच्छे भी से देखा ना। हाँ हाँ, नहीं सर कुछ नहीं है। हे सुन, मर्डर है या सुसाइड? नहीं सर, सर सुसाइड ही है, ये सुसाइड है। हाँ सर, पक्का सर। चल खोल। हाँ कहा ना, तुम्हारी बेटी नहीं है। ठीक है, रहने दो। शांत हो जाओ सर। अरे क्यों परेशान हो रहे हैं? जीजा जी लेकर जाओ ना। मेरी हाँ। ये माही नहीं है सर। माही नहीं है? नहीं, पक्का नहीं है। हो गया मेरी बच्ची को। भगवान हमारे साथ। सुन लिया ना, वो माही नहीं है। जाओ, कह दिया ना, वो माही नहीं है। रो मत, जाओ। जीजा जी लेकर जाइए इन्हें, जाओ। मेरी माही। हे, अरे वो शेखर कहाँ है? यहाँ नहीं आया, चश्मे की दुकान पे होगा। यहाँ नहीं है वो। कोई बात नहीं, चलो वहां देखते हैं। भाई वो चश्मे वाला शेखर कहाँ मिलेगा? अभी अपने दोस्त के साथ आए थे और चश्मा खरीद के चले गए। भाई मुझे पक्का विश्वास है वो अपने नारियल के बाग में ही होगा, वहीं चल के देखते हैं उसे। यही है उसका नारियल का बाग, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या बैनर लगा रखा है उसने? अंदर आना मना है, चश्मा शेखर का बाग है ये, आज्ञा से चश्मा शेखर। चल इस तरफ। देख वो बैठा है। ये शेखर, चल शक्ति बुला रहा है। हे, तुम लोग कहीं जाना नहीं है? हाँ हे, तू किसे बुला रहा है? हाँ मेरे बाग में लूला लंगड़ा आ सकता है, लेकिन बिना चश्मे के कोई नहीं आ सकता।
बिना चश्मे के मेरे सामने आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? ज्यादा शाना बन रहा है हा? अब जहाँ से आया है ना वहीं पर कल्टी हो जा। शराफत से आ जा। ए, चल निकल शराफत से, तू चला जा यहाँ से। अगर हमसे पंगा लिया ना तो समझ ले तेरी बैंड बज जाएगी। ए, निकल यहाँ से। गधे की औलाद छाता छोड़कर चला गया। लगता है इसके गैंग में सबसे गुस्से वाला आदमी यही है। बड़ी हेकड़ी दिखा रहा है, मारेगा तो नहीं है? ब्रूस ली का बाप लग रहा है ये तो। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे कहाँ जा रहे हो? ए रुको, तुम्हारी तो साले रुको। ए तू क्या समझता है खुद को? बहुत शाना समझते हैं। हाँ? दम है तो मेरे से लड़। ए बात बात पर लड़ने की बात मत कर, आज शनिवार है, मैं लड़ता नहीं हूँ, समझा क्या? ए आज रविवार है बे। अबे साले लगता है तू पहले दिन स्कूल से भाग कर आ गया। शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टी होती है, कभी नहीं पता क्या तुझे? मेरा चश्मा। ए भाई कहाँ है, बोल। पहले मेरा चश्मा दो, उसके बाद ही मैं बात करूंगा। आप बोल रहे? ए चुपचाप सच्चाई बता दे। ए, अरे वो तेरी माही है तो तुझे पता होना चाहिए ना। ए, तू ही तो उसका पीछा करता था। यार परम, जिस दिन से उसने मुझे चप्पल दिखाई ना उस दिन से मैंने उसका पीछा ही छोड़ दिया, पता है? वैसे तुम लोग माही को ढूंढ क्यों रहे, बात क्या है? देख अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ए बेकार में तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो, मैं चश्मा जरूर पहनता हूँ पर मेरी नजर गंदी नहीं है। ए सब जानता हूँ कितना शरीफ है तू, तूने ही तो माही का नाम गुदवा के रखा था, इसलिए तुम लोग मेरे पास आए हो क्या? ये देखो देखो माही का नाम कब का मिटा चुका हूँ, अब अरुणा ही है यार, थोड़े दिन में वो भी चली जाएगी। अबे झूठ मत बोल, सच सच बता। ए बेकार में मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगर लड़की लापता है तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर ढूंढो उसे, दिमाग मत खाओ। सुबह सुबह दिमाग खाने आ गए, जाकर अपना काम करो। ए झिंगो जाए यहाँ से, बाल इतने बढ़ गए पर अकल जरा भी नहीं है, जाए यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से दिमाग खराब करने। शक्ति अगर कोई समस्या होगी तो मुझे बुला लेना, आ जाऊंगा मैं मदद करने। चाचा जी, चाचा जी ये क्या? चाचा जी आज ही सुबह वापस आया, माही के बारे में पता चला, सच है क्या? चल अंदर चल। बताइए ना। चल अंदर चल। पुलिस तक खबर पहुंच गई, रिश्तेदारों में भी बात फैल गई है, कोई खबर मिली क्या? अंदर आकर बात करते। कोई बात नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उसके लिए जो लड़का देखा था वो पसंद ना हो इसलिए भाग गई हो? नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आप ये बोल रही हैं लेकिन गांव के लोग तो कुछ और ही बोल रहे हैं। देखो मुंह संभाल के बात करो, बकवास करने की जरूरत नहीं। आहा, क्या कहा? मैं बकवास कर रहा हूँ? जानती हो गांव में लोग क्या कह रहे हैं, यही कि माही किसी के साथ भाग गई, माही के बारे में हर कोई भाग गई कह के बात कर रहा है। ए, माही के बारे में बात करने का तुझे कोई हक नहीं, जा यहाँ से। कोई हक नहीं है चाचा जी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्से वाले आप। सुन लीजिए, अगर हमारे घर में ऐसा हुआ होता ना तो पूरे घर ने फांसी लगा ली होती, फांसी। और हाँ जब मेरे भाई से अपनी बेटी की शादी की बात करने आया था तो बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ? अच्छा हुआ मेरा भाई बच गया। चला जा यहाँ से वरना मारूंगी तुझे। ए, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सच्चाई हजम नहीं हो रही है क्या? एक तो भगोड़ी को पैदा किया और ऊपर से अकड़ रही हो। ए, जाता है कि नहीं यहाँ से, नहीं तो खूब मारेंगे तेरे को, समझा? ओ इसका मतलब वो भागी नहीं है, तुमने उसे भगाया है। हाथ मत उठाना, हाथ मत उठाना, मैं तुम सबको देख लूंगा। बड़े आए दूसरों को पढ़ाने वाले मास्टर बनते हैं, हाथ मत उठाना मास्टर। खुद की बेटी को तो अच्छी परवरिश दे नहीं पाए और चले हैं गांव भर को पढ़ाने, हैं? दो दो बेटियां पैदा करके छोड़ दी। बेटियां नहीं कलंक है वो तुम्हारी, अभी तो नाक कटी है, देखना गांव भी छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी पूरी इज्जत उन्होंने मिट्टी में मिला कर रख दी है। अरे जा नहीं तो बहुत मार खाएगा। जा रहा हूँ ना, देखो तमाशा देखो इस बेशरम परिवार का, बड़े इज्जत वाले बनते थे। ए, चल जा जा यहाँ से। नमस्ते सर। ये लीजिए सर। ये तुम पहले नहीं दे सकते थे? सॉरी सर। hmm.
नमस्ते सर। 9944117 किसका नंबर है? मेरा ही नंबर है सर। तुम्हारा नंबर है? हाँ सर मेरा ही है। बस रुक जा। देख यार दुखी मत हो, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हसीना से कहकर माही की सारी सहेलियों से पूछ लिया लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। हे पुलिस आ रही है, चल भाग। रुक जा, हम क्यों भागे यहां से? हमने कोई चोरी की है? मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तू एक काम कर, तू निकल यहां से। ए, मैं क्यों जाऊंगा? मैं कह रहा हूं ना, तू जा। अरे मैं जा यहां से, तू मैं कह रहा हूं जा, जल्दी जा यहां से, तू जा ना यार, जा। तू ही शक्ति है? उस दिन जब मैं पूछ रहा था तो बड़ा अनजान बन रहा था, उस लड़की से भी पूछा तो उसने भी कुछ नहीं बताया था। बता बता क्या पता है तुझे, बता। सर सर मेरी बात सुनिए। ए मत मारिए। अरे सब सर मैंने चल चल मेरी बात चल चल अंदर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर मुझे छोड़ दीजिए आप, सर छोड़ दीजिए। क्यों मार रहे हैं मुझे सर? चल पटक पटक के मारूंगा, चल चल अंदर। मेरी बात तो सुन। ए समझ में नहीं आ रहा, चल अंदर, चल तेरी तो, चल अंदर, बैठ। अरे मेरी दवा खुलेगा नहीं है। उसने कुछ नहीं किया सर। अबे जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन आना होगा, समझे? और भागने की कोशिश की ना तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा, याद रखना। ए, क्या चल रहा है ये सब? तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हमारे उन लोगों से कितने अच्छे संबंध है, उस लड़की के साथ क्या किया तुम लोगों ने? अब जवाब क्यों नहीं देता? कल को मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? ये सब करने के लिए एक साथ घूमते हो तुम लोग? किस तरह के दोस्त हो आप? पता है दोस्तों का काम गलती सुधारना होता है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, वो क्या कर रहा है आखिर मुझे तो बता सकता था, कम से कम मैं तो उसे समझाती। नहीं माँ जी, सच सच बता, पुलिस वालों को सिर्फ शक है या बात कुछ और है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तू मुझे क्यों बताएगा, खुद ही इतना बड़ा झूठा है। तुम लोगों की संगत में ही मेरा बेटा बिगड़ गया है। अगर मेरे बेटे को उन्होंने कोई भी नुकसान पहुंचाया ना तो एक एक को देख लूंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, इस बारे में मैं अपने चाचा जी से बात कर रहा हूँ। जल्दी चलो ना भैया। हेलो चाचा जी, परम बोल रहा हूँ। उतर। हेलो सर, मैं आपसे 5 मिनट बाद बात करता हूँ, अंदर लेकर जाओ। चल जाओ। चल